अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एम टी एस मेंस का एक लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 17 एग्जांपल। लेक्चर नंबर 17 जो आपका लेक्चर नंबर 16 से रिलेटेड है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो इस एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल देख के आया था, पूरा वो एग्जाम्पल दिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो, आपको एक क्वेश्चन दिए, उससे आपने एक्सट्रीम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी, ठीक है, आपको उसको पॉइंट दिया है, ठीक है। आप पे देखें, आपको यहाँ पे देखें, आपको तीन पॉइंट दिए हैं, 0, 0, 0, 4, 5, 0, ठीक है। तो हम लेट कर लिए, ए पे 0, 0 है और बी पे जो है आपका 5, 0, सी पे 0, 4, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे जो है बिल्कुल वही काम के जो हम आप करके आए, ठीक है। तो देखें लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, ए पे है 0, 0, 5 पे 0, ठीक है, 0, 0, 5, 0, हमने वही किया, एक्स इंटरसेप्ट यानी क्या y0, तो एक्स पे हो गया y0, वैल्यू पुट के आंसर आ गया। इस तरीके से आप लाइन सेगमेंट पे आएंगे, बेट में 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4 पर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा x, हो जाएगा 0, तो x होगा 0, वैल्यू होगा। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट बिटवीन 5, 0, 0, 4 यानी 5, 0, 0, 4 पर, तो यहाँ पे आप वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमने अपना अप्लाई किया क्या ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो आपकी ये वैल्यू वाई की आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, ये आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, फिर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जो जिस रिस्पेक्ट पे वहाँ में लिख देंगे, ठीक है, तो आपकी इस तरीके से आंसर सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप इसके आगे चलें तो अच्छा, इसमें जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, फाइंड थ्री पॉजिटिव नंबर हु सम ऑफ 48, तो ये आईक्यू लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल अगर ये नंबर है तो आप इसको करें, इसका आंसर क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप इसको देखना चाहें देख लें, ठीक है, तो आपके ऊपर है, देखना चाहें देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी वही है, और इस पर आगे हैं तो आपको ये डायमेंशन वगैरह के दिए हुए क्वेश्चन, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये भी पेपर में आते नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, करना चाहे तो आप कर लीजिएगा, पैटर्न वही सॉल्व करना है इसके अंदर, तो ऊपर छोड़ो, देखिए अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 17 में इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें यही दिया हुआ है, फाइंड थ्री कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर्स हु सम 35, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए, उसको सॉल्व करके आप ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे शो डेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय 11 माइनस एक्स माइनस वाई इस मैक्सिमम एट इस पॉइंट, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं, शो डेट करो, प्रूफ करो कि ये जो इक्वेशन है मैक्सिमम है एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 5 बाय यूजिंग सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। हमने क्या करना, हमने सिंपल क्वेश्चन लिख कर, क्वेश्चन करने के बाद हमने क्या किया, इसका एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, फिर हमने लिया वाई के रिस्पेक्ट से, फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, फिर हमने एक्स के रिस्पेक्ट से वाई का डेरिवेटिव लिया, फिर हमने क्या किया, वाई के रिस्पेक्ट से वाई का डेरिवेटिव लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल ली, फिर हमने जो वैल्यू है उसको ना पुट कर दी, ठीक है। तो अब देखें, हमारे पास एक्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया, वाई वाई का डेरिवेटिव आ गया और एक्स वाई का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स की 5 और वाई की 5 हमने पुट कर दी, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह 5 पुट कर दी और वाई की जगह 5 पुट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक नंबर में, ठीक है। वो क्या आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया एक्स एक्स, हमारे पास आ गया माइनस 10, एफ वाई वाई आ गया हमारे पास माइनस 10, ठीक है, और माइनस एफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास आ गया माइनस 10, ठीक है। इसको सॉल्व किया, हमारे पास 19 आ गया, अब 19 जो है वो ग्रेटर देन 0 से, तो हमने लिख दिया हैं, सेकंड फंक्शन है इस मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सिंपल इस क्वेश्चन में यही करना है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आता है, इसमें भी यही करना है, ठीक है। सर गिवन फंक्शन है मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम हो रहा है, क्यों वो देखें, वो आपके पास डी जो है वैल्यू 12 बढ़ाएंगे, डी जो है 0 से बढ़ा, 12 जो है 0 से बढ़ा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये तीन लेक्चर थे जो आपका मैक्सिमम मिनिमम पे जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिए, बाकी इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तो इसके हैंड आउट के इतना देख लीजिएगा, और मज़ीद इसको अगर और अच्छा समझना चाह रहे हैं तो आप इसके जो है लेक्चर वीडियो के प्रॉपर लेक्चर एक घंटे की वीडियो के लेक्चर आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसके जो मैंने इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं पेपर में जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आते हैं, अगर आप इसके लेक्चर ना भी लें घंटे का तो आप ये लेक्चर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 18 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।